हेलो हेलोम नमस्कार स्वागत है आप सभी का अड्डा टू फोर सेवन आई एस पर चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा 16 दिसंबर हम लोग यानी एक नए पड़ाव पर पहुंच चुके हैं इस पड़ाव में आज बहुत कुछ है सीखने के लिए देख जैसा कि आप सब देख सकते हैं प्रीलिम्स पर पूरी तरह से टारगेट हूं इस बार हर बार रहता हूं लेकिन इस बार ढेर सारी संख्या में प्लीज आप लोग पास होकर के आइए मेन्स की तैयारी मेरे साथ करिए विश्वास रखिए लगभग लगभग है श्योर एंड शर्टन की मेन्स निकलेगा तो आज क्या है अंदर बातचीत करेंगे आज देख सकते हैं के लिए यानी बहुत कुछ है टेस्टा ये क्या है इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा टेस्टाथॉन कमिंग इंतजार कीजिए इसका बहुत बढ़िया ढंग से और कुछ स्पेशल होने वाला है जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाएगा यह याद रखिएगा ये केवल कोई ऐड नहीं है ये आपकी लाइफ में यानी जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये अड्डा टू फोर बनाइए का टेस्टाथॉन आपकी लाइफ में बहुत बहुत बिग चेंज लाने वाला क्या होगा वो आपको बस कुछ ही दिनों में पता लगेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आज क्या क्या टॉपिक है बहुत बढ़िया जैसे देखिए बिजनेस लाइन का है। आज हम फेडरलिज्म यानी संघवाद पर पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर टू पॉलिटी यूनिट टू यानी सिलेबस का मेंस की अगर हम देखेंगे यूनिट टू उसमें आर्टिकल 370 पर अब आप कहेंगे सर फिर से रिवीजन हमने कहा हाँ भाई लेकिन टॉपिक बिल्कुल नया 370 के एब्रोगेशन पर यानी 370 को हटाने पर जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है जो कमेंट किया है जो टिप्पणी की है जो निर्णय दिया उसमें एक शब्द उसने बोला है जिस पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन संभावित है और उसने बोला है क्या फेडरिज यानी असममित संघवाद अभी क्या है असममित संघवाद और उस असममित संघवाद के ऊपर आर्टिकल 370 पर डिसीजन देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस विषय पर एक बढ़िया चर्चा एक और सेकेंड आप हमेशा पढ़ते हैं जैसे 2016 में एक भी आया था कोऑपरेटिव में रियलिटी है या मिथ है ठीक है यानी संघवाद पर यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन ऑब्वियस पूछे भी क्यों ना क्योंकि हमारे हमारा जो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ही है फेडरल स्ट्रक्चर ठीक है यानी हमारी संघीय व्यवस्था ऐसे ही 2014 में एक ऐसे आया था और सॉरी 16 में ऐसे था 14 में आपका जीएस का क्वेश्चन था कि भाई जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर वो स्टेट के फेवर में क्या है झुका हुआ है स्टेट के फेवर सेंटर के फेवर में माफी चाहूंगा हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंटर के फेवर में है। तो हम यानी इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर करें इतना बढ़िया पॉइंट आज तक टू बी ऑनेस्ट एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो ना मैंने कभी पढ़े थे ना किसी बुक में है बहुत जबरदस्त है तो फेडरल स्ट्रक्चर पर आपको बहुत मजा आने वाला है किसके लिए यानी जीएस पेपर टू और उसके साथ साथ ऐसे निबंध के लिए फिर इसके बाद हम आते हैं यानी क्या क्या पढ़ेंगे ये प्रिलिम्स के लिए ठीक है ना अब सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च हुई है केरला में सोलर यानी सौर ऊर्जा से चलेगी एक बोट एक नाव याद रखे सोलर इलेक्ट्रिक बोट अब आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाते समय बहुत से प्रिलिम्स के फैक्ट आपके सामने आएंगे जैसे सोनार ये क्या होता है सोनार क्या है कैसे उसका यूज होता है कैसे इसमें यूज हुआ बहुत कुछ तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए इसके बाद फिर हम आएंगे पे एक टॉपिक करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का कि भाई 2019 में हमने एक एग्रीमेंट किया था 2019 में एक समझौता किया था हमने यानी इंडिया ने मालदीव के साथ किस बात का कि मालदीव में इंडिया और मालदीव मालदीव में यानी इंडिया और मालदीव मालदीव में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे यानी मालदीप के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे अब वर्तमान सरकार ने कहा कि भाई हम इस सर्वे अब हम अपना ये एग्रीमेंट तोड़ते हैं भारत के साथ हम कोई सर्वे नहीं करेंगे तो अब हमारे लिए यहां प्रिलिम्स का कि भाई हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है इससे क्या क्या पता चलता है यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे के ऊपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर सोनार यहां पर पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है प्लस इसके साथ साथ आपको याद होगा 2017 में जीएस पेपर टू आईआर आर में ऑब्वियस भारत मालदीव पे इतना ज्यादा पोटेंशियल अभी नहीं है कि आईआर में एक अलग क्वेश्चन पूछा जाए और यहां से क्या पूछा जा सकता है 2017 में क्वेश्चन याद करिए अक्सर मैं जिक्र करता हूं और उसमें क्या रहता है उसमें यह था कि भाई चाइना अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसका इस्तेमाल एशिया में एक अकेली पावर के रूप मतलब कि वह एशिया में अकेली ही एक शक्ति रहे एक पावर रहे सबसे बड़ी शक्ति रहे उसके लिए अपनी आर्थिक ताकत का यानी अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड का किसी भी देश के साथ जो व्यापार संतुलन है उसके पक्ष में उसका इस्तेमाल कर रहा है यानी अपनी आर्थिक ताकत को वह संभाव्य सैनिक शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो क्या मालदीव एक्चुअल में उसकी इस योजना के तहत काम कर रहा है जी हां इसी विषय पर बहुत अच्छी चर्चा आईआर के लिए भी यानी मेंस के लिए भी फिर इसके बाद आते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है यानी आर्कटिक जो लगातार गर्म होता जा रहा है आर्कटिक आर्कटिक गर्म हो रहा है और इसमें लिखा हुआ कि पांच चीजें जो आपको जाननी है तो आर्कटिक गर्म हो रहा है क्लाइमेट चेंज तो है जीएस1 ज्योग्राफी के साथ ये जुड़ा हुआ है गंभीर चर्चा बहुत मजा आने वाला है आपको आर्कटिक पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई रीजन क्या अगर आर्कटिक गर्म हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इंपैक्ट है तो उससे कैसे बचा जाए फॉर फॉर जाएस वन जोग्राफी यूनिट थ्री इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना यानी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं वहां से सीधा सीधा कनेक्टेड है प्लस ऑबियस है जीएस पेपर थ्री कंजर्वेशन की तो आवश्यकता यानी पर्यावरण संरक्षण यानी और फिर इसके बाद आता है स्टेपी के ऊपर है मिराकल अंदर स्टेपी ये कौन है भैया यानी सैगा अब ये सैगा क्या है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं यानी ये प्रिलिम्स का बहुत बहुत आ, अच्छा टॉपिक है जो इसी बार आ सकता क्यों क्योंकि आजकल प्रिलिम्स में अगर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनिमल बिहेवियर पर यानी जानवरों के व्यवहार पर अब यूपीएससी पिछले दो तीन सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डाउन टू अर्थ जैसा कि मैंने कहा आप देख सकते हैं कभी डेक्कन हेराल्ड कभी डाउन टू अर्थ ऐसे ही डेली जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन में नहीं है साइंस और एनवायरमेंट वो आपके लिए यहां पर हमेशा मौजूद रहेगा हमेशा उपस्थित रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा चर्चा में जाए इससे पहले मंडे याद रखिएगा कब मंडे यानी सोमवार ध्यान रखिएगा मंडे यानी सोमवार को यानी परसों से जैते का एक नया बैच शुरू हो रहा है आप इसका हिस्सा बनिए सोमवार से और कल सुबह दस बजे यानी कल से हमारे यहाँ पूरी मैराथन चलेंगी प्रिलिम्स जयते पर सुबह दस बजे मैं आऊंगा और आप जरूर आइएगा सीखने के लिए कि प्रिलिम्स कैसे पास किया जाता है बड़ी जबरदस्त छोटी सी चर्चा बड़ी जबरदस्त सुबह दस बजे और जो भी बच्चे प्रिलिम्स जयतेम्स सबसे बड़ी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए बिना डाउट के एडमिशन लीजिए ध्यान रखिए चूंकि इसमें मैं नवीन सर और अंकित सर और बाकी पूरी टीम मिलकर के आपके साथ बेहतर काम कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए इसके अलावा सी एस आई आर आप अगर 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं अगर आप मैनेज कर सकते अदरवाइज पच्चीस छब्बीस वाले तो अगर आपकी एज हो गई है चार सौ चौवालीस वेकेंसी हर एग्जाम को ट्राई करना चाहिए पहले मैं रोकता था लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की तो रोजगार में हम छोटी नौकरियों की तरफ जाएं जैसे आर ओ यार मैं नहीं करूं छोटी नौकरी मेरा कहने का मतलब यह है कि सौ सीट दो सौ सीट तीन सौ सीट चार सौ सीट है आप इसके लिए भी ट्राई करिए उसके लिए भी कराइए याद रखिएगा तो मेरा कहने का मतलब है ये अच्छा है और इसके लिए भी आप अड्डा पर जुड़ सकते हैं और लिजेंडरी महापैक जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज मिलते हैं यह अड्डा का अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और यह फोन नंबर है जिस पर आप कॉल करके और एडमिशन ले सकते हैं और अभी ऑफर चल रहा है देख लीजिएगा एक ऑफर चल रहा है यूपीएससी महापैक में अपग्रेड कराने का आखिरी मौका है इस नंबर पर कॉल कर यानी जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं रोब और आकर के यानी फिर उनको महापैक मिल जाएगा फिर फ्यूचर के जितने भी कोर्सेज रहेंगे आपको मिलेंगे चूंकि अमूमन देखो टाइम तो लगता ही एक दो साल तो आपको तैयारी में लगता ही लगता है तो उतना टाइम तक आप यहां पर जुड़े रहेंगे और आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी चलिए शुरू करते हैं डे वन टू नाइन राइटिंग चैलेंज में आज क्या क्वेश्चन है वही यानी 370 के यानी 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं थी उन याचिकाओं पर निर्णय देते समय तीन सौ सत्तर को वैलिड बताते हुए मतलब तीन 70 को हटाने को वैध यानी वैलिड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द यहां बताया है कि भाई ये जो 370 था ना इसके कारण से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में असिमेट्रिक फेडरलिज्म दिखाई दे रहा था असमित संघवाद बड़ी गंभीर टिप्पणी है ये जो लोग 370 को सपोर्ट कर रहे हैं आप देखिए असमित संघवाद यानी हमारे देश में असममित संघवाद इसके कारण से था तो उसी टिप्पणी पर क्वेश्चन बना है

असमित संघवाद को परिभाषित कीजिए भाई पहले करते हुए अनुच्छेद तीन के निरस्त्रीकरण को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट के बयान का विश्लेषण करें जिसमें उसने कहा कि अनुच्छेद ने विशेष प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जिसके कारण भारत में असमित संघवाद का जन्म हुआ हालांकि फेडरिज्म भी समय समय की बात है कभी मैं रगड़ा या तू रगड़ा कभी संयुक्त संघवाद को बड़ा अच्छा माना जाता था मतलब कि भाई इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है इतनी विविधता है उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अगर किसी स्टेट को कुछ स्पेशल पावर है तो ये बुरा नहीं है लेकिन हम ऑब्वियस समय पलटा खाया है एनालिसिस पलटा खाया है तो चीजें आज दूसरे ढंग से डिफाइन हो रही है वही इसीलिए मैंने कहा कि ये समय समय का फेर है कभी मैं रगड़ा या तू रगड़ा तो अब आगे बढ़ते हैं यहां से फिर क्या करें हाउ इंडियन फेडरलिज्म कैन बी स्ट्रेंदन यानी अब भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो अब आप ये बताइए संघवाद को कैसे मजबूत करें सजेशन दीजिए भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस पर व्यवहारिक सुझाव दें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये जो एक दो सुझाव है ना बड़े ही यूनिक है अच्छे लगेंगे आपको ठीक है तो इसके बारे में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं डे वन टू एट कुल पच्चीस बच्चों की कॉपियां नरेश सिंह रवि कुमार अनुशाक्या तन्नू मोनिका ठाकुर समरीन विजय कुशवाहा संजना मौर्या पूजा प्रजापति हाँ, सभी मौर्या नवजोत रंधावा रूपाली शुक्ला बबीता रिमझिम दुबे राजिया प्रवीण नेहा शर्मा सपना तिवारी खुशी राघव भावना साधना दीप माला रूपांजलि पाल पायल चौहान अंकुर मलिक हुसैन और अर्जुना एमसीक्यू चैलेंज में कुल 24 बच्चे हमारे सामने आए हैं जिसमें दीक्षा काजल सिंह जसमिन विश्वकर्मा जमशेद खान तनु नैला प्रिया स्नेहा इशिका भारद्वाज पंकज चौधरी मुस्कान शर्मा लक्ष्मी कुमारी प्रीति पाठक पूजा जाखड़ नवजोत रंधावा साक्षी शर्मा ईशा रोहित मीना अंजलि राज प्रिया मिश्रा प्रीति वर्मा राहुल अनिशा वर्मा हिना तो बहुत बढ़िया और इसके साथ यानी इंटरव्यू हम डे फोर्टीन पर पहुंच चुके हैं और आज क्या क्वेश्चन है ना? इस पर हम लोग आगे बातचीत करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यानी पंद्रह सोलह दिसंबर थोड़ा डेट ठीक कर लीजिएगा बच्चों ये बाई मिस्टेक ठीक है ना सोलह दिसंबर है इसको कर लीजिएगा ठीक है क्या सोलह दिसंबर ठीक है तो अरे अच्छा सॉरी सॉरी ये पंद्रह का सॉरी सॉरी ये ठीक है ठीक है ये पंद्रह ही है सोलह का आगे आएगा डाउन टू पंद्रह का मैंने लगा दिया था जिससे आपको ये पता रहे ये डे वन पेपर टारगेट 26 मई 2024 कल यानी आपको फॉरेस्ट आउल के बारे में बातचीत की गई थी आज हम डे टू पे पहुंच गए हैं क्रिटिकली इंडेन्जर्ड है, है नियर थ्रेटेड है, है, है किस कैटेगरी में है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो स्वाभाविक हमें इस पर काम करना चाहिए तो डे टू प्रिलिम्स में आज हम लोग आ गए हैं साइगा साइगा क्या है और ये पहले क्या था यानी एक्सटेंशन एक्सटेंशन कैटेगरी में था किसकी यानी विलुप्त की कैटेगरी में था किसकी आयुषियन की अब ये क्या हो गया है यानी अब विलुप्त से बाहर आ गया है तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है आइए जरा समझते हैं प्रीलिम्स देख सकते हैं जनरल ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी आपका सिलेबस है तो ऑबियस है आइए जरा समझते हैं तो क्या न्यूज है जरा आप देखिएगा दिसंबर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी ने साइगा साइगा की जो स्थिति थी स्टेटस था जो पहले क्रिटिकली इंडेन्जर्ड था याद रखिएगा गंभीर रूप से लुप्त प्राय था इसका स्टेटस उसको बदल करके नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकट ग्रस्त कर दिया है यह या आप याद कर लीजिएगा तो चूंकि आयुष्यन अगर किसी के स्टेटस को बदल रहा है दिस इज बिग न्यूज तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अब आएगा आपके मन में सर ये सहगा क्या सहगा क्या है यानी एक एंटीलोप है यानी एक अलग प्रकार का दिखने वाला मृग है एंटीलोप है याद रखिएगा जो यानी अन्य मृगों की अपेक्षा देख सकते इसका आप ये, ये, ये देखिए ये वाला पार्ट तो थोड़ा अलग सा इसका ये देखिएगा ये देखिए आप तो ये बिल्कुल यानी आपको लगेगा नहीं कि मृग है ठीक है और ऑब्वियस है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ठीक है अब इसके बाद आता है इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है तो आप देख सकते हैं यानी हमने आयुषियन ने इसको क्या कर दिया है नियर थ्रेटेंड में आयुषियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये क्या है इसके बारे में भी आगे कंटेंट दिया गया और साइड्स की ये अपेंडिक्स टू में है याद रखेगा साइट्स कई अपेंडिक्स में रखता तो ये अपेंडिक्स टू में है तो प्रीलिम्स के लिए दोनों चीजें यहां लिख दी गई अब आईफियन क्या है साइट्स क्या है आगे सब ये भी दिया गया अब के बारे में आप देख सकते हैं कहां पाया जाता है याद रखिएगा ये पाया जाता था यूरेशिया की स्टेपी में शुरुआत में याद रखिएगा यूरोप और एशिया दोनों ही क्षेत्रों में ये पाया जाता था याद रखिएगा आज ये कहां पाया जाता आज ये कजाकिस्तान नोट करते जाएगा मंगोलिया रशिया और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है अब इनके बारे में देख सकते हैं इनका फेस कैसा है और अब इनका बिहेवियर यहां पर आगे बताया गया यानी ये कैसे रहते हैं ये आप पिक्चर देख करके मेमोराइज कर लीजिए ये हमेशा झुंड में रहते हैं क्या रहते हैं ये हमेशा झुंड में रहते हैं और ऑबवियसली झुंड में क्यों रहते हैं इनको खतरा इनको कोई भी खा सकता इतने सीधे हैं ठीक है ना और कहां-कहां रहते हैं सेमी डेजर्ट में यानी जहां पर आधा रेगिस्तान या अर्थ रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं स्टेपी यानी मैदानों में ठीक है ना एंड ग्रासलैंड घास के मैदानों में ये रहते हैं ध्यान रखिएगा सैगा के बारे में ये सारी जानकारी अब यहां पर ये बताया गया ठीक है ना तो ये सब आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट है इनको खतरा किससे है ऑब्वियस है इनको खतरा है फोक्स से यानी जो स्टेपी में लोमड़िया रहती है जानवर ईगल्स है गोल्डन ईगल्स है डॉग्स हैं इसके अलावा जो रेवेंस यानी कौए हैं, वो भी इनका शिकार कर लेते हैं याद रखिएगा तो ये हो गया यानी आपको सेगा के बारे में एक जानकारी मिली प्रीलिम्स के लिए अब प्रीलिम्स के लिए आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन तो आईयूसीएन के बारे में आप देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी वैश्विक पर्यावरणीय संगठन है 1948 में 1948 में यह बनाया गया था याद रखिएगा ठीक है ना क्लियर है और इसका हेडक्वार्टर कहां है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में यह भी याद रखिएगा और ये काम क्या करता है यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके उचित और नैतिक उपयोग पर यह काम करता है इसके बारे में यह एक महत्वपूर्ण चीज है अब इसके बाद यह कौन सी बुक किस कलर की बुक तो ऑब्वियसली रेड लिस्ट क्या करता है पब्लिश करता है रेड लिस्ट लाल सूची तो ये भी है लाल सूची कौन निकालता है किसके लिए थ्रेटेंड स्पेसिस के लिए, लिए यानी जो भी संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं उनके लिए ये एक लाल पुस्तक आप ऐसा समझ सकते हैं प्रकाशित करता है याद रखेगा और यह एक ऐसा डेटाबेस होता है जो दुनिया भर में जितनी भी स्पेसीज हैं अगर वो संकट में है तो उनकी कैटेगरी क्या है वो यहीं पर मिलती है ये आपको ध्यान में रख लेना तो ये हो गया आयु ठीक है ना फिर इसके बाद साइट्स अभी आगे आएगा ठीक है ना साइट्स का अपेंडिक्स टू यहां कहा गया था लेकिन अभी मैं ये वाले पे बाद में आऊंगा साइगा के बारे में अब आप देख सकते हैं साइगा की दो सब हैं यानी साइगा की दो हैं याद रखिएगा एक का नाम है टाटारिका टाटारिका ये रशिया वाला है क्या है साइगा टाटारिका टाटारिका जिसे हम रूसी सैगा भी कहते हैं जो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में पाया जाता है दूसरा है सैगा टाटारिक टाटार टाटारिका, मंगोलिका यह मंगोलिया में पाया जाता जिसे मंगोलिया कंजर्वेशन एफर्ट्स कजाकिस्तान ने किया था। सिंपल सी बात है तो आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद आता है कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसने मदद की तो आप कहेंगे भाई इनको मदद किया साइड्स ने साइड्स ने अब साइड्स ने साइट्स क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा मेरे प्यारे बच्चों वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त पाए प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ने यानी इनको वो सभी सुविधाएं प्रदान की ये क्या काम करता है याद रखिएगा यानी जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं कैसे उनका पुनरुद्धार किया जाए जीर्णोद्धार किया जाए उस पर काम करता है इनडेंजर्ड स्पीसी पर आपको पता है कि सैगा इनजर्ड था इसलिए साइट्स ने उस पर काम किया जो कि साइट्स का मैंडेट है यानी साइट को इसी बात के लिए बनाया गया है आई होप आप समझ गए हैं ठीक है अब इसके बाद आते हैं ठीक है एंड फ्लोरा यानी साइट क्या है इनके बारे में आप देख सकते हैं तो इसे हम क्या आपको पता है कि साइट्स को बाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं बताएंगे आप कितने बच्चों को पता था कि साइट्स को हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं अगर मान लीजिए आ जाए कि वाशिंगटन कन्वेंशन फ्लोरा और फोना की जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड है उनके संरक्षण उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है तो आप ठीक है तो वाशिंगटन कन्वेंशन भी इसे कहते हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो बस आप देख सकते हैं ये क्या है एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है बहुपक्षीय संधि यानी इसका मतलब कई देश इसमें शामिल है इसको आप याद रखिएगा ठीक अब आता है कि आईयूसीएन और साइट्स में पप्पा कौन है बच्चा कौन है पप्पा हो गया आईयूसीएन यानी आईयूसीएन के जितने भी मेंबर स्टेट है सदस्य राष्ट्र हैं उन्होंने ही साइट्स के लिए एक प्रपोजल दिया था कि भाई हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हम भाई हमारा काम क्या है आयुषियन ने रेड लिस्ट निकाल दिया हमारा काम तो है हमने भाई लाल सूची तैयार कर दी लेकिन उस लाल सूची में जो इंडेंजर्ड स्पेसीड है नियर थ्रेटेंड है आखिर उनको उस स्थिति से बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए तो साइड से उस स्थिति से बचाने के लिए याद रखिएगा ठीक है क्लियर हो गया बच्चे तो ये फैक्ट है ठीक है इस पर कब साइन हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है ना ये सारी चीजें अब ये काम क्या करता है कि भाई जो भी फ्लोरा फौना है उनका एक्सपोर्ट गलत तरीके से ना हो जो खतरे में है उनका आयात निर्यात क्या किया जाए स्वाभाविक उसको मैनेज किया जाए किसी भी प्रकार से के जोखिम से उनको बचाया जाए याद रखेगा तो ये साइट्स के बारे में भी लिखा हुआ आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा अब साइट्स में आपने पढ़ा था कि जो सैगा तो अपेंडिक्स वन क्या होता है और अपेंडिक्स टू क्या होता है अपेंडिक्स थ्री क्या होता है याद रखिएगा ठीक है ना क्लियर है बच्चे तो Appendix 1 में क्या होता है यानी इसमें वो लो, वो लोग फ्लोरा शामिल है याद रखेगा कि मतलब ट्रेड परमिटेड होता है बट कुछ कंडीशन में याद रखेगा और अपेंडिक्स टू में जिसमें सैगा था उसका ट्रेड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होता है ठीक है ना क्या होता है कंट्रोल्ड होता है याद रखिएगा तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और अपेंडिक्स थ्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यानी इसमें ये कोशिश होती है कि इनमें मतलब बेहतर ढंग से संरक्षण किया जाए जिससे नुकसान ना हो पाए तो ये आप देख लीजिएगा तीनों चीजें हैं आपके सामने अब आते हैं अगला टॉपिक और ये भी प्रिलिम्स के लिए ही हो गया इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट और इसका नाम क्या है बाराकुडा आइए जरा समझते हैं डे टू में आज प्रीलिम्स का दूसरा टॉपिक हमारे सामने आ गया है जो स्पेसिफिक प्रीलिम्स है कभी कभी कई टॉपिक आ है जाते हैं कभी कभी एक भी नहीं आता ठीक है तो केरल के अलापुजा में आप देख सकते हैं सोलर इलेक्ट्रिक ट्रेन सॉरी नाव लॉन्च की गई है उद्देश्य यही है भाई कि इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन यानी पर्यावरण के अनुकूल समुद्री परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना अब सोलर से चलेगी तो स्वाभाविक है पर्यावरण अनुकूल ही होगी यही आप देख सकते हैं अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है याद रखे कि यहां इंपॉर्टेंट है बारा कूडा ये बारा कूडा क्या इसका नाम बारा कूडा क्यों रखा गया तो प्रीलिम्स के लिए अब आ जाएगा बारा कूडा क्या है भैया तो बारा कूडा आपको पता है एक मछली है एक फिश है मेरे प्यारे बच्चों क्या है एक फिश है एक मछली है इसको अच्छे से समझेगा अब आता है इन इस को किसने बनाया है तो आप नहीं भी पढ़ते तो भी चल जाएगा बाराकुडा के बारे में ठीक है बट मछली के बारे में ठीक है अभी सोलर से चलने वाली सूर्य यानी सौर एनर्जी का उपयोग करेगी वो सारी बातें हैं तो इसमें एमिशन उत्सर्जन कम होगा और फिर ये इको फ्रेंडली होगी बताने की जरूरत नहीं अब स्विफ्ट फिश बाराकुडा ये इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं इसके बारे में तो ये क्या है एक बड़ी मछली है और एक शिकारी मछली है जो बहुत ज्यादा अटैकिंग है और इसकी जो प्रेजेंस होती है जहां पाई जाती है बड़ी ड्राउनी होती अटैकिंग है तो बारह कुडा के बारे में आएगा कि प्रिलिम्स के लिए अगर कुछ भी तो आप कहेंगे भाई ये इसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है एक शब्द पकड़े रहिए आप आसानी के साथ क्योंकि भाई देखो इतने फैक्ट आप याद तो रख नहीं पाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए जो भी टिपिकल फैक्ट फैट हो उनमें से कोई एक पॉइंट याद कर लीजिए तो इसका बिहेवियर बड़ा ही एग्रेसिव है याद रखिएगा ठीक है अब ये कहां पाई जाती हैं ऑब्वियस है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन्स में संपूर्ण विश्व में यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं और किन-किन पूरा यानी आप देख सकते हैं ईस्टर्न अटलांटिक ओशन टू द रेड सी कैरेबियन सी ठीक है और पैसिफिक ओशन के भी ट्रॉपिकल रीजन में ये पाई जाती हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए सब ट्रॉपिकल रीजन होना चाहिए यानी उष्ण कटबंधी और उपोषण कटबंधी स्थिति में ही ये पाए जाते हैं आप इसको याद रखिएगा अब इनका पसंदीदा चूंकि एनिमल बिहेवियर आजकल पूछा जा रहा है तो स्वाभाविक है इनका पसंदीदा एरिया क्या है उस पानी में तो वाटर सरफेस आप देख सकते हैं क्या है यानी और कोरल रीप्स और सी यानी पानी की सतह एकदम नीचे देख सकते हैं आप एकदम ये देखिए पानी पानी की सतह पर मूंगा चट्टानों और समुद्री घास के क्षेत्र इनके फेवरेट होते हैं ये दोनों चीजें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए ठीक है अब हम यहां से तीसरी चीज पे आते हैं मालदीव भारत के साथ 2019 जल सर्वेक्षण समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा ये न्यूज है ठीक है तो ये जल सर्वेक्षण समझौता यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है यह प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण जाता है जिसे मालदीप रिन्यू नहीं करने जा रहा जिसे हमने 2019 में किया था तो ये जो भाई साहब है ये, ये जो अभी मालदीव के प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर ठीक है ना इनका नाम मैं मिस कर रहा हूं आगे लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा तो हम अभी कह देते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट महोदय तो ये क्या है यह आदरणीय मोदी जी के फेवर में नहीं यानी ये प्रो चाइना है क्या है बच्चे प्रो चाइना है याद रख लीजिएगा क्या है ये ये प्रो चाइना है ठीक है यानी चाइना के पक्ष में है ये तो अगर आप प्रो चाइना हैं तो स्वाभाविक है आप चाइना के अकॉर्डिंग चलेंगे और चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्या है तो आइए जरा दिखाता हूं चाइना की फॉरेन पॉलिसी जिससे हम समझेंगे जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध में ठीक है तो जीएसटू दो हजार सत्रह के इस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि ये चाइना प्रो है कि नहीं है सोचिए आप कि यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन बता रहा है इनकी आज की नीति आइए जरा देखते हैं चीन अपने आर्थिक संबंध हो एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है China is using its economic relations and positive trade surplus as tools. ये देखिए हथियार हथियार to develop potential military power status in Asia. Clear है? हो गया? In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbor. तो भैया भारत पर जरा पढ़िए. अगर वो tool के रूप में अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है तो कह रहा पड़ोसी के रूप में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखिए तो भैया आप देख सकते हैं मालदीप को भी आर्थिक मदद देता ही देता है व्यापार सरप्लस उसका सबके साथ है क्या मालदीप क्या इंडिया है? सभी देशों के साथ ठीक है यानी इकोनॉमिक रिलेशन वो मजबूती के साथ बना रहा है और हर देश में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्लियर है और इन्वेस्टमेंट फ्री में नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट कर्ज दे करके कर रहा है इसलिए देश उसके इकोनॉमिक प्रेशर में आर्थिक दबाव में ज्यादा तो ऐसे में अगर प्रो चाइनी लीडर यानी अपनी पॉलिसी में अपनी थिंकिंग में प्रो चाइनी लीडर आ गया तो वो क्या करेगा वो चीन के इसी चेकबुक डिप्लोमेसी का हिस्सा बन करके भारत के हितों पर प्रभाव डालेगा और वही प्रभाव यहां पर आप देख सकते हैं दिख रहा है मालदीव टू नॉट रिन्यू 2019 वाटर सर्वे पैक्ट विद इंडिया यानी जल सर्वेक्षण समझौता 2019 में जो मालदीव ने भारत के साथ किया था उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं करेगा तो आपको आई होप यह इश्यू बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो इसीलिए कहा जाता है जो भी हम डेली पढ़ते हैं ना वो जरूरी नहीं डायरेक्ट आ रहे बट आप उसको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसको कहीं पर भी आप यूज कर सकेंगे सबसे बड़ी ताकत आपकी ये यहां पर बन रही तो बस यही सारी चीजें आपको पढ़नी है प्रीलिम्स करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं आपके सामने ठीक है अब आपके मन में आएगा कि भाई इतना सख्त डिसीजन क्यों तो भाई जब ये चुन के ही मालदीप के जो अभी प्रेसिडेंट है मिस्टर मोहम्मद मुजू तो मिस्टर मुइजू जो है ये अक्टूबर ट्वेंटी थ्री में जो ये अपने चुनावी कैंपेन को चला रहे थे तो ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे यानी हम जीत है, तो इंडिया की जो भी यहां पर मतलब क्या बोल सकते हैं मालदीव में जो इंडिया की प्रेजेंस है जो उपस्थिति है उसको बाहर कर देंगे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया की अगर मिलिट्री है वहां पर इंडिया के और भी कुछ यानी डिजास्टर को रोकने के कुछ अगर इंडिया ने मालदीव में कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस या कोई बिंग वहां पर बनाई हुई है हम सब वापस कर देंगे ठीक है और किस बेस पे कि भाई अगर मिलिट्री है इंडिया की यहां पर उपस्थित है मालदीव में तो मालदीव की सॉब्रंटी को खतरा जबकि इंडिया की मिलिट्री वहां तब होती है जब वहां पर यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है और वहां से मांग होती है कि भारत एक हस्तक्षेप करे जिससे कि हमारे यहां शांति या इसके साथ साथ अगर कोई आपदा वगैरह आती है तो उस आपदा से बचाने में भारत की जो व्यवस्था है जो सिस्टम उनकी मदद करे तो भारत तो एथिकल यानी नैतिक रूप से वहां पर अपनी उपस्थिति बता रहा लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई कहा कि वो इंडिया जो है मालदीप की सॉब्रिंटी को ही चुनौती दे रहा जबकि इंडिया कैसे दे सकता है सॉबरिंटी को चुनौती इंडिया एक सॉफ्ट इमेज वाला देश है जो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है जिसके द्वारा हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है जिससे हमारे सभी पड़ोसी देश हमारे प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं और रखते रहे हैं लेकिन अब चाइना ने इकोनॉमिक यानी चेकबुक डिप्लोमेसी से उसको ब्रेक करना शुरू किया बट फिर भी यानी मालदीव में एक बहुत बड़ी आबादी है जो भारत की नेक नियति पर प्रश्न उठा ही नहीं सकते और वो यानी पंचशील की देन है पंचशील में क्या है आप सोचिए कि भाई हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें यानी भारत अपनी विदेश नीति में ये स्टैंड लेक चलता है एज अ पंचशील प्रिंसिपल की हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे अगर हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का प्रिंसिपल अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेके चलते हैं तो स्वाभाविक है हमारी अगर कुछ वहां पर प्रेजेंस है भी तो भी हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे वो चाइना का एलिमेंट आता है देन जैसे अगर इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया भी अगर आप सोचो कि नेपाल में समस्या थी इंडिया ने अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन की सीडी दी कि भाई ये देखिए कि इंडिया के लोगों ने यानी भारत के जो महान नेता रह चुके हैं उन्होंने किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अगर मोदी जी की तरफ से सीडी दी गई तो क्या हम नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं नहीं हम अपने पड़ोसी को एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं ऑब्वियस है, जिसके बेस पर आज इंडिया वर्ल्ड की सुपर पावर्स में से एक है जो ट्वेंटी तक डेफिनेट डेवलप कंट्री के अंदर आएगा तो ये कोई बट वही है कि चाइना अब क्या कर रहा है यानी दो राजनीतिक गुट है उनमें से एक के साथ अपनी पकड़ अच्छे से बना रहा है इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत को यह चाहिए कि अपनी विदेश नीति में अब एक बड़ा बदलाव लाए और जो सत्ता पक्ष है उसके साथ तो संबंध बनाए ही लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है भले वो सत्ता में लंबे समय से नहीं उसके साथ भी अपने संबंध मधुर रखे यानी उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करे चूंकि सत्ता में भाई आगे वो आएंगे आएंगे उसके पीछे रीजन मैं क्या बेली भी कहता क्या बेली सत्ता का चरित्र परिवर्तनशील है आज किसी ठीक तो है।, तो है, है।, है ना सैन्य कर्मियों को भी वापस बुलाने को उन्होंने कहा था इनको क्या आप देख सकते हैं प्रो चाइनीज पॉलिटिशियन माना जाता है ठीक है ये सारी बातें आप देख सकते हैं अब इंपॉर्टेंट ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए है याद रखिएगा मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा याद आप तो समझिए प्रीलिम्स की बौछार हो चुकी है तो ये प्रीलिम्स के लिए है याद रखिएगा ये क्या होता है उस समय ऑब्वियस इब्राहिम सोली साहब सत्ता में थे कौन थे इब्राहिम सोले जो इंडिया के साथ अच्छा संबंध साझा करते हैं तो वो सत्ता में थे अब सत्ता पलट गई है तो यानी ये सर्वे पर एग्रीमेंट भी पलट गया अब इसमें क्या किया जाता है इस पिक्चर से आप जरा समझिएगा यानी मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोग्राफिक सर्वे के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि भाई ये जो समुद्र तल है याद रखिएगा क्या है ये जो समुद्र तल है ये जो निचला हिस्सा है समुद्र का यहां पर हम शिपिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं यानी हम शिपिंग डेवलप करें अगर मान लीजिए हम कोई जहाज लेके जा रहे हैं पानी का तो भाई अगर हम इस रास्ते से लेके जा रहे हैं तो यहां पर कोई रुकावट तो नहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों सर्वे किया जाता है ठीक है ना पानी की गहराई कितनी है है उसके बारे में पता लगाने के लिए ठीक है? यानी कितना वाटर डेप्थ है उसका पता लगाने के लिए सी फ्लोर यानी समुद्र की सतह समुद्र की तल की विशेषताएं क्या है उसके बारे में पता लगाने के लिए ठीक है कोस्ट लाइन के बारे में पता लगाने के लिए समुद्र तट के बारे में यानी तट के बारे में पता लगाने के लिए इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शंस कोई बाधा है यानी कोई पत्थर नहीं तो नहीं है समुद्री तो नहीं है समुद्री चट्टान तो उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस सर्वे का अब आता है और ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई जो भी जहाज वगैरह एक इस रास्ते से जा रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो यानी समुद्री परिवहन को बेहतर बनाना इंश्योर करना एफिशिएंसी एंड सेफ्टी किसका मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट का समुद्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए यह किया जाता है अब इसमें जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उस तरीके का नाम है सोनार मॉडल सोनार मेथड एंड अदर मेथड तो सोनार मेथड क्या है तो आप सबको प्रीलिम्स के लिए यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे ये सोनार मेथड से किया जाता है जिसका लक्ष्य होता है कि भाई जो शिपिंग रूट होते हैं उसमें कोई समुद्री बाधा तो नहीं आ रही है ठीक है ना उसके बारे में पता लगाने के लिए और इसके साथ साथ और भी कि हम इस रास्ते का किस प्रकार से यूज कर सकते तो अब याद रखिएगा जैसे सोनार कॉन्सेप्ट क्या है सोनार का मतलब क्या होता है ओ एन आर यानी ओ से साउंड एन से नेविगेशन ए आर से यानी एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखिएगा ठीक है ना तो साउंड नेविगेशन यानी आप ये समझिए इसका मतलब होता है ये देखिए ऊपर यानी यहां पर आपका सिप है अब इस सिप के द्वारा यानी इस सिप में सोनार का उपयोग करके पानी में साउंड बेब छोड़ी गई ये सब क्या है ये सब साउंड यानी ध्वनि तरंगे भेजी गई याद रखिएगा अब ध्वनि तरंगे नीचे ये, ये देख सकते हैं ये चट्टान है, यहां से ये टकराई और फिर क्या हुआ याद रखिये यह ध्वनि रिटर्न हो गई एज अ प्रतिध्वनि यानी इको के रूप में यानी हमने क्या किया साउंड बे भेजा ध्वनि तरंगे भेजा यानी हमने ध्वनि ऐसी भेजी, भेजी जिसमें साउंड था जब वो गई और टकराई पानी के नीचे किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से किसी भी बाधा से वो कुछ भी हो सकता है कोई चट्टान हो सकती ठीक है अब वहां से वो टकराई या कोई भी पुराना सिप जो डूब गया हो वो हो सकता है तो टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ उसका इको वापस आता ना जैसे आप कभी किसी चीज पर आपने जैसे घर में मैं कहता हूं थाली बर्तन हमेशा ही गिरता रहता आप कभी अगर आपने गिराया हो तो गिरने के बाद एक आपको इको यानी प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्यान रखिएगा तो ये जो ध्वनि जा रही है और जो प्रतिध्वनि आ रही है याद रखिएगा इन दोनों का मापन करके हम ये पता लगा लेते हैं कि पानी के नीचे ये जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी बाधा है वो कितनी दूरी पर है उसका आकार कितना है कितना बड़ा है और किस स्थान पर है याद रखेगा जिससे हमें यानी नेविगेशन में सहायता मिलती है हमें सी फ्लोर का समुद्र की सतह का मैपिंग करने में सहायता मिलती है और हम स्वाभाविक है यानी यह भी पता लगा लेते हैं कि यहां पर सबमरीन यानी पंडुबियां किस प्रकार से अपना काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी आई होप सोनार आप समझ गए यानी ध्वनि और प्रतिध्वनि सिंपल सी बात है और इस ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का पूरा जो दायरा है जो डायमेंशन उसको हम मेजर कर लेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता लग जाएंगी और फिर उसके बाद हम उसी के हिसाब से सिस्टम को डेवलप कर लेंगे याद रखिएगा अब ऐसे देखिए बैट यानी चमगादड़ भी चमगादड़ भी सोनार का इस्तेमाल करती है देख सकते हैं यानी ये है सोनार ये देख सकते हैं उसने सोनार अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए उसने देखिए सोनार का यूज किया ठीक है अब यानी उसने क्या दिया साउंड वेव दिया ध्वनि तरंगें दी अब यहां से उसको इको यानी ये वाला देख सकते हैं रिटर्निंग साउंड वेव यानी ये देखिए ये रिटर्न हो रही उस तक उसको पता लग गया कि मेरा शिकार यहां पर है अब आएगी खा जाएगी ठीक है आप देख सकते हैं तो इसी को बोलते हैं इकोलोकेशन जो सोनार के द्वारा किया जाता है आप यहां से देख सकते हैं तो ये सारी बातें क्यों महत्वपूर्ण होता है है कि भाई अगर हमें पता लग गया हाइड्रो सर्वे के द्वारा कि भाई कहा क्या, क्या क्या पानी के नीचे क्या क्या है तो ऑबियस है जो भी हमारे शिप्स होते हैं जो हमारे बेसन होते हैं उनके लिए हम एक अच्छा रास्ता बना देते हैं जिससे फिर वो किसी दुर्घटना या खतरे का शिकार नहीं होते हैं और शिपिंग टूरिज्म मत्स्य पालन व्यापार जैसे इंडस्ट्रीज को लाभ होता है तो इसका मतलब अगर भारत ने वहां इंटरवेंशन किया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे का तो इसका मतलब था ये मालदीव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था बट अब नहीं हुआ वो अलग बात है याद रखिएगा। अब इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा ठीक है मालदीव ने चाइना के इंपैक्ट में आकर के भारत के साथ इस एग्रीमेंट को रोक दिया लेकिन उसने गलत किया क्यों उसने मालदीव के डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटके गलत किया यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जितने भी तटीय राज्य हैं याद रखिएगा कोस्टल स्टेट जैसे मालदीव क्या है तटीय राज्य है ठीक है वहां पर हाई, मतलब उसने कहा फिफ्टी परसेंट जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं तटीय राज्य है, 50 परसेंट उनमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे की अपनी क्षमता नहीं है तो भारत अगर ऐसा करने जा रहा था तो यह उनके लिए फायदेमंद था लेकिन अच्छी बात है ठीक है मालदीव समझौता क्यों खत्म करना चाहता है प्रोचाइनी जो मैंने लिख दिया है इसको आप चिपका दीजिएगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक में आते हैं हाउ द हॉटेस्ट समर एवर एफेक्टेड द आर्कटिक यानी अब तक की सबसे भीषण गर्मी 2023 ने आर्कटिक को कैसे प्रभावित किया तो आप कहेंगे सर तो आप इन्वायरमेंट पढ़ाई चुके हैं नहीं ये थोड़ा अलग टॉपिक है जीएस पहले आइए जरा आपको मुद्दा दिखाता हूं जरा ओ डबल ए ये क्या है नेशनल ओसनिक एंड एटमोस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन डबल ए राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन की एनुअल वार्षिक आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड यानी आर्कटिक है जैसे आपका हमारा रिपोर्ट कार्ड आता वैसे आर्कटिक का रिपोर्ट कार्ड मेरे प्यारे बच्चों थर्टीन दिसंबर 2023 को जारी किया यानी इस संस्था ने क्या किया आर्कटिक का रिपोर्ट कार्ड जारी किया 13 था, दिसंबर को यानी दिन पहले याद रखिएगा अब ये अमेरिका की एक एजेंसी है सिंपल सी बात है किसकी अमेरिका की एक एजेंसी है और किस चीज का अध्ययन करती है इस प्लेनेट पर इस पृथ्वी पर इनवायरमेंट की स्टडी करती है ये आपको जानने की जरूरत एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है ना अब इसके बाद कहा गया कि भाई जो पिछला वर्ष था 2022 वाला वो आर्कटिक में 1900 के बाद छठा सबसे गर्म वर्ष तो आप देख सकते हैं ठीक है पास्ट ईयर ईयर वाज द इसका मतलब है अब आपको ये याद रहे कि निक्स फिफ्थ इससे मतलब नहीं यानी आर्कटिक गर्म हो रहा है सिंपल सी बात तो अब इंपॉर्टेंट यह हो गया कि अगर आर्कटिक गर्म हो रहा है तो उसकी गर्मी का क्या इंपैक्ट होगा आप जरा यहां पर विचार करें एक बार आर्कटिक अगर गर्म है बच्चे तो इस गर्मी का क्या इम्पैक्ट होगा आप जरा सोचिए तो भाई क्या होगा आर्कटिक में तापमान वृद्धि बढ़ेगी तो वाइल्ड फैक्ट ऑब्वियस जंगल की आग उसके आसपास के जो एरिया है क्यों क्योंकि जितने भी ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां होंगी स्वाभाविक है उन वो आग का मतलब उस गर्मी का शिकार होंगी और वहीं से आग निकल करके पूरे जंगल में फैलेगी फिर होगा कम्युनिटी इवेकुएशन यानी अब जब ये बर्फ पिघलेगी तो आसपास फ्लड की कंडीशन बनेगी तो हमें लोगों को वहां से उठा करके यानी जो किसी एक प्लेस पर रहते उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा यानी हम कह सकते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन क्या कह सकते हैं सामुदायिक निकासी कम्युनिटी इवेक्युएशन जिसे हम बोल सकते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन याद रखेगा क्या करना है फोर्ड माइग्रेशन यानी बलात् प्रवासन क्या है बलात् प्रवासन यानी जब भी हम एक अपनी इच्छा से ना जाए कोई भी शक्ति के द्वारा चाहे वार हो रहा है तो भी आपकी इच्छा नहीं आपको जाना पड़ेगा जैसे रशिया यूक्रेन में तो यूक्रेन के ढेर सारे लोग यूरोप में चले गए सेम उसी प्रकार से फोर्स्ड माइग्रेशन यानी एनवायरमेंट के कारण भी होता है बलात् प्रवासन याद रखिएगा ठीक है फिर इसके बाद ऑब्वियस की समुद्री बर्फ की कवरेज में कमी हो जाएगी वो पिघल जाएगी भीषण बाढ़ भोजन में कमी ऑब्वियस है बाढ़ आएगी तो क्या होगा यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी तो बहुत नुकसान होगा संपूर्ण विश्व में खाने की कमी होगी ये सारे इंपैक्ट है याद रखिएगा बस ये सारी बातें बताएगी दो हजार इक्कीस आर्कटिक सेवंथ वार्मेस्ट और दो हजार बाईस यानी वार्मेस्ट यानी छठा सबसे गर्म बर्फ रहा है आप देख सकते हैं यही सारी बातें बताएगी और 1960 के बीच यानी 1960 के दशक से खासकर 1965 से अगर हम देखें तो आर्कटिक जितना उस समय गर्म था उसमें आर्कटिकसेंट और आप क्या करिए या तीन तीन, तीन डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा गर्म हो गया है तो है गर्म हो रहा है अब अगर गर्म हो रहा है तो क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा ये हम पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आइए आई जरा आईकी की तरफ चल देते हैं जिससे कि असली टारगेट हमारा पता लग जाए जियस ज्योग्राफी जीएस थ्री इन्वायरमेंट अब वहीं से क्वेश्चन आपके सामने बनता है क्या प्रश्न बनता है जरा एक बार आप विचार करें व्हाट आर मेजर कंसर्न रिलेटेड टू द राइजिंग टेम्परेचर इन द आर्कटिक रीजन क्या कह रहा भाई आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तापमान से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या है ठीक है ना तो चिंताएं क्या है आपने पढ़ लिया ये है चिंताएं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ करना नहीं आंसर राइटिंग यहीं से सीखिए आप कहते हैं सर आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग नहीं नहीं आती इससे कहीं हो ही सकती जो यहां पर मैं कराता हूं वाट आर इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस एंड हाउ विल इट इंपैक्ट द दीपुल इन द रीजन डिस्कस यानी इसके संभावित परिणाम क्या है और इसका क्षेत्र के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा चर्चा कीजिए इसके संभावित परिणाम क्या है और लोगों पर क्या इंपैक्ट तो हम क्या पढ़ रहे थे संभावित परिणाम तो पहला है सबसी समुद्र में परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगा अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है जरा देख सकते हैं ये बड़ी गंभीर स्थिति है ठीक है इसमें ये आप देख सकते हैं कहां है ग्राउंड सरफेस एक्टिव लेयर ये है परमाफ्रॉस्ट ये वाला एरिया आप देख सकते हैं ठीक है ये है नीचे वाला अनफ्रोजन ग्राउंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं यानी इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है सॉयल सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मैटर ठीक है ना और ये क्या होता है ठंडे तापमान के कारण ये वाला एरिया बरसों से जमा हुआ यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या शामिल होता है परमाफ्रॉस्ट प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा मिट्टी तलछट और कार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो ठंडे तापमान के कारण हजारों वर्षों से जमे हुए अब हजारों वर्षों से जो जमे हुए हैं अगर ये पिघलेंगे ड्यू टू आर्कटिक में बढ़ता तापमान तो क्या होगा तबाही तबाही और तबाही ठीक है आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना अब बताने की आवश्यकता नहीं जैसे ही समुद्र के नीचे का ये जो परमा फ्रॉस्ट है ये पिघलता है प्रीलिम्स के लिए भी याद रखेगा कि परमा फ्रॉस्ट ये मत समझिएगा मेंस के लिए ही है परमा फ्रॉस्ट जब क्या होगा यानी पिघलेगा तो उसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है तो ये मीथेन और सीओ ठीक है ना क्या है यानी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएंगे उसके साथ साथ समुद्र के अमलीकरण यानी सी एसिडिफिकेशन को भी बढ़ावा देंगे तो इसको जरा पढ़ प्रिलिम्स के लिए। फिर, ऐसे ही के पूछता और बड़ा करने के लिए नहीं कहता हूं जो बात कहता हूं आपके भले के लिए मैं खुद ही बहुत छोटा टाइप का आदमी हूं मैं ये कहना चाहता हूं जैसे जो आप पढ़ रहे किताबों में जो भी मार्केट में है क्यों वो फेल हो जा रहा क्यों यूपीएससी आगे निकल जा रहा क्योंकि आपने एक

जितने भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं आज कोचिंगों के नोट्स उसे बनाता कौन है पढ़ाते नहीं है तो बनाते हुए कैसे दिखेंगे यहां पर मैं किसी की कमी बताने नहीं आया मैं जो बताना चाह रहा हूं समझिएगा आपके फ्यूचर की बात आपके भले की बात इसलिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है मजबूरी है मेरी नहीं तो मैं किसी का नाम कभी लू ही ना ठीक है क्योंकि मैं अपने आप को ही सबसे छोटा मानता हूं लेकिन बस आप ये सोचिए कि जब आपके जैसे ही कुछ लोग कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें क्या ये जो अब ये जो यानी जो इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं क्या इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उनके पास होगा प्लीज बताइए क्या जो हिंदू में लिख रहे हैं उनके जैसा एक्स जो है स्पेशलाइजेशन हो क्या जो इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं डाउन टू अर्थ में लिख रहे हैं डेक्कन हेरा में लिख रहे हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा या उन बच्चों का है तो बच्चों की भी कभी नहीं वो भी ब्रिलियंट है जो एमसीक्यू बना ले जो पीवाईक्यू बना ले आंसर फॉर्मेट कर ले वो सब सल्यूट के योग्य हैं ब्रिलियंट है आप सब भी जो एकलव्य अर्जुना में कर रहे हैं बट मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो लिखते हैं ना ये विद्वान लोग हैं इन विद्वानों को फॉलो करिए आपको यूपीएससी निकालना आसान हो जाएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं बस और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं इतनी बात को समझाने का जो पूरा था था वो यही ठीक है तो आपके सामने इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमिना ठीक है, है और जीएस थ्री इन्वायरमेंट यानी कंजर्वेशन क्वेश्चन आपके सामने आ गया ठीक है ये सारे मुद्दे हो गए ये सारी चीजें हो गई इसी हिसाब से आपको पढ़ना फिर भोजन की सुरक्षा आप कहेंगे सर ये क्या है अरे भाई आर्कटिक रीजन में भी तो लोग रहते हैं ना भैया और लोग रहते हैं तो आर्कटिक में जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध उसी से खा करके अपना पेट पालेंगे तो वहां पर मिलती है चिनूक और सैलमन मछली जिसको वहां के नेटिव लोग खाते हैं लेकिन अगर इस प्रकार की गर्मी बढ़ रही है तो ऐसे में सैलमन छोटी हो गई है और संख्या भी कम हो गई है ऐसे में जो वहां के इंडिजीनियस कम्युनिटी है स्वदेशी समुदाय है उनको खाने का भी संकट हो जाएगा यानी फूड इनसिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ जाएगी तीसरा भड़कती जंगल की आग रेगिंग वाइल्ड फायर देख सकते हैं कनाडा नॉर्थ अमेरिका इन सब में आप देख सकते हैं ठीक है तो ये सारी बातें जो आपको देखनी है सीवियर फ्लडिंग यानी भयानक बाढ़ आ जाएगी ठीक है ना और आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है अलास्का में एक ग्लेशियर अभी अभी प्रिलिम्स के लिए ग्लेशियर्स और फिर वो कहां पाए जाते हैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई इसमें से कितने पेयर मैच है कितनी जोड़ी सुमेलित है तो अलास्का में जो पाया जाता है मेंडल हॉल ग्लेशियर इसको आप याद रखिएगा तो यहां यही कहा गया कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण से जो अलास्का का मेंडल हॉल ग्लेशियर है वो काफी पिघल गया ठीक आप देख सकते हैं और वार्षिक बाढ़ का कारण बनता है अलास्का यूएसए आप यहां से देख सकते हैं ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिघल रही है आर्कटिक के बढ़ते तापमान का यह असर आपके सामने है याद रखिएगा ठीक है ना और अब क्या होगा अगर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर आइस सीड पिघलेगी तो ग्लोबल सी लेवल राइज होगा कि नहीं ग्लोबल सी लेवल राइज होगा तो मालदीव ऐसे देश समस्या में आएंगे कि नहीं आप देख सकते हैं तो ये सारी बातें हैं जो आपको देखनी है ठीक है कैसा लगा टॉपिक मजा आया बच्चों अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर हाउ इंडियन फेडरलिज्म कैन बी स्ट्रेंदन बहुत बढ़िया टॉपिक बच्चे ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ना दिल ही खुश हो गया और फिर आप देखो कि कैसे एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कहीं से भी मतलब आपको इस प्रकार से ना कराया जाए कि एग्जाम में आप उसको हंड्रेड परसेंट कैप्चर कर ले पूरा टारगेट ही है कि आप एग्जाम में एक बच्चा पूछ रहा है कि मुझे छब्बीस में देना है बेटा पानी पी लू फिर आता हूं बताता हूं एक बच्चा पूछ रहा है खातून उनका नाम है सर कि मुझे 26 में अटेंट करना हिंदू कब से पढ़े बेटा फाइट अगर आपने मेरे लेक्चर फॉलो किए होंगे मैंने कहा कि आपकी फाइट नए बच्चों से नहीं यानी जो 26 में आपके साथ अटेम्प्ट करेंगे आपकी फाइट उनसे नहीं है आपकी फाइट है जो 25 में 24 में 23 में फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्शन ले करके और आई प्रॉपर ना पाने के कारण वो फिर से रीअटेम्प्ट कर रहे हैं सात आठ सौ बच्चे वो फिर उसके बाद आपकी फाइट है जो इंटरव्यू में एक डेढ़ हजार बच्चे फेल कर चुके हैं वो जो मेंस में नौ दस हजार बच्चे फेल कर चुके हैं वो आपकी फाइट उनसे ठीक है इसलिए आप अभी से पढ़िए आपके क्वेश्चन के आंसर यही अब आते हैं हाउ इंडियन फेडरिजम कैन बी स्ट्रेंदन भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है ठीक है ना कैसे भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है मुद्दा और फिर बहुत सा व्हाट is आप देख सकते हैं अपहोल्डिंग ऑफ आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा दिस स्पेशल प्रोविजन लेड टू असमेट्रिक फेडरलिज्म क्या बात कह दी है भैया क्या कह है अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि भाई 370 को जो निरस्त कर दिया गया है वो एक वैध कदम था वो असंवैधानिक नहीं था इसके बाद इस पर हम लोगों ने डिटेल से बहुत कुछ पढ़ लिया इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बोला है कि ये जो आर्टिकल 370 था ना इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन को आगे बढ़ाया विशेष प्रावधान को आगे बढ़ाया विशेष प्रावधान क्या कि भाई एक देश में दो एक देश देश में में दो दो संविधान बाकी का पूरा इंडिया जो है रूल किया जाएगा आपके मेन कॉन्स्टिट्यूशन से बट जो जम्मू एंड कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा एक देश में दो संविधान तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो व्यवस्था थी ना इसी के कारण से इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में असमेट्रिक फेडरलिज्म असमित संघवाद का जन्म हुआ असमित संघवाद अब आपके मन में आएगा मेरे प्यारे बच्चों संघवाद क्या होता है तो ये जो असमेट्रिक फेडरलिज्म है असमित संघवाद है वह एक संघ में फेडरल स्ट्रक्चर में तो संघ क्या होता है भाई संघ का मतलब एक गठबंधन एक जुड़ाव ठीक है यानी जहां पर शासन करने के लिए कुछ इकाइयां होती हैं वो मिलजुल कर शासन करती हैं इसे सामान्य शब्दों में हम संघ कहते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जिन्हें हम प्रांतीय सरकारें भी कह सकते हैं शामिल होती है और भारत के मामले में एक और है कि हमने सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या ला दिया है यानी हमने इसमें लोकल बॉडीज को भी शामिल कर दिया सिंपल सी बात है यानी हमारे संघवाद में तीन स्तर है और तीनों स्तर अपने अपने क्षेत्रों में संविधान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शासन करते हैं और भारतीय लोकतंत्र को आगे लेके जाते हैं तो ये हो गया संघवाद संघ यूनियन ठीक है ना ऐसा आप समझिए तो संघवाद ये हो गया जहां मिलजुल चल रहे और सभी मतलब सेंटर और स्टेट ये मिलकर के देश का शासन चला रहे हैं एक ही व्यवस्था के तहत इनका शासन चल रहा है एक ही सिस्टम से इनका बट असमित संघवाद क्या होता है एक ऐसे संघ को एक ऐसे फेडरेशन को रेफर करता है संदर्भित करता है जहां विभिन्न घटक राज्य डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स या क्षेत्रों के पास आप याद रखिएगा संघीय इसी मतलब इसी संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के भीतर ही शक्ति स्वायत्तता या जो विशेषाधिकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं यानी है तो हम एक संकेत से ठीक है बट कुछ राज्य अलग चलेंगे कुछ राज्य अलग चलेंगे किस संदर्भ में यानी शक्ति स्वायत्तता या विशेषाधिकारों के मामले में यानी जैसे जम्मू कश्मीर के पास एक अलग प्रकार की शक्ति थी एक अलग प्रकार की ऑटोनॉमी स्वायत्ता थी एक अलग प्रकार का विशेष अधिकार था यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तो असमित संघवाद एक बार आप पढ़िए असमेट्रिक फेडरलिज्म सिस्टम इन अ फेडरेशन वेयर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और रीजन पॉजिज डिफरेंट डिग्री ऑफ पावर ऑटोनॉमी और इन द फेडरल स्ट्रक्चर यानी असमित संघवाद एक संघ में एक प्रणाली को संदर्भित करता है यानी संघ का एक सिस्टम है ये विभिन्न घटक राज्यों या क्षेत्रों के पास संघीय ढांचे के भीतर यानी रहेंगे वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ही के भीतर शक्ति स्वायत्ता या विशेषाधिकारों की डिग्रियां अलग अलग होती यानी एक राज्य के पास अलग शक्ति दूसरे राज्य के पास अलग शक्ति इसे हम क्या कहते हैं असमेट्रिक फेडरलिज्म तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आओ बच्चों जरा इसको पढ़िए मैं एक मिनट के लिए चुप होता हूं आप पढ़िए अब समझ में आया जरा पढ़िए व्हाट इज द इश्यू बच्चों जरा पढ़िएगा व्हाट इज द इश्यू देन मजा आएगा समझ में आ गया तो अब भाई उन्होंने कहा ये एसे फेडरलिज्म तो हमारा एक था बट इस संघ के अंदर कुछ घटक राज्य ऐसे हैं जो अलग प्रकार की शक्ति विशेषाधिकार और स्वायत्ता का आनंद उठा रहे हैं इसे असमित संघवाद कहा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इट नीडेड टू बी करेक्टेड यानी इसीलिए इसे ठीक करने की जरूरत थी इसीलिए अनुच्छेद 370 को जो एब्रोगेट किया गया समाप्त किया गया यह बिल्कुल ही संवैधानिक दृष्टि से उचित कदम था और फिर सोने पर सुहागा एक लाइन और आ गई एपेक्स कोर्ट ने सीज़ कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 किस चीज की विशेषता थी जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा था ना कि आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर की सोवरेनिटी सुनिश्चित होती थी संप्रभुता ठीक है तो एपेक्स कोर्ट ने उनके ऊपर क्या किया एक हल्का सा प्रहार कर दिया कि आर्टिकल 370 असिमेट्रिक फेडरलिज्म असममित संघवाद या हम सिंपल भाषा कह सकते हैं अगर इसके कॉमन लैंग्वेज में विषम संघवाद की विशेषता थी ना कि संप्रभुता की यानी आर्टिकल 370 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म संप्रभुता का तो कोई जिक्र ही मत करो ऐसा उसने कहा तो असमित रखा गया है आप देख सकते हैं यानी आईक्यू आई पी जी एस पेपर टू पॉलिटी और पॉलिटी में आप देख सकते हैं सीधा आपके सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है इशू एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों संघीय ढांचे से संबंधित विषय चुनौतियां क्या है एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां तो संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां थी थी कि नहीं थी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा भाई आप इसको पढ़िए संघीय ढांचे से संबंधित चुनौती थी कि नहीं विषय है कि नहीं तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बर्डिक्ट दिया है आर्टिकल 370 पर और उससे वैलिडिटेट किया है एप्रोगेशन को तो क्यों उसने कहा भैया इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का विषय था और विषय किससे जुड़ा हुआ था चैलेंजेस ने चैलेंज क्या था कि भाई बाकी सभी राज्यों में एक प्रकार का संघवाद और जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार का संघवाद तो ये असमेट्रिक संघवाद था असमित संघवाद था आई होप आप समझ गए इसलिए सीधा-सीधा सिलेबस का पार्ट है तो पहले मॉडल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिफाइनिंग असिमेट्रिक फेडरलिज्म एनालाइज सुप्रीम कोर्ट्स स्टेटमेंट ऑन अपहोल्डिंग द एबrogation ऑफ आर्टिकल 370 दैट इनकरेज्ड स्पेशल प्रोविजंस व्हिच लेड टू असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया असममित संघवाद को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट के बयान का विश्लेषण कहा, कहा? 370 ने विशेष प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जिसके कारण भारत में असमित संघवाद का जन्म हुआ यानी सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर जैसा तो ना ताबूत में अंतिम कील ठोक दी भैया इसके इसको लेकर के हमारे पास मताओ क्योंकि ये तो असमेट्रिक फेडिज्म का उदाहरण था ये सब हटाओ ये पहले अपने आप में ही दोषपूर्ण है asymmetric federalism है ये उसने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों याद रख सकते हैं ठीक है ना अब इसके बाद आया भाई ठीक है अब उसने क्यों कहा है ये आगे उसी के बर्डिक्ट को मैंने डिटेल कर दिया गिव प्रैक्टिकल सजेशंस ऑन हाउ इंडियन Can be भारतीय को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस पर कुछ सुझाव भी मेरे प्यारे बच्चों याद क्या है यानी अब हम यहां से पढ़ने जा रहे हैं कि भाई चलो भाई एसमेट्रिक एस था हमने निपटा दिया अब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर इसको कैसे और मजबूत किया जाए खासकर जिससे कि हम एक, एक होता ना जिससे हम फेडरल स्ट्रक्चर का जो आइडियल होता है यानी जो संघीय संरचना का जो आदर्श होता है उस आदर्श का मजा ले सके उसके लिए कुछ सुझाव देंगे, यानी आदर्श संघवाद का मजा कैसे लिया जाए उसके दो तीन पॉइंट बताइए वो आपको बताने जा रहा हूं लेकिन पहले चलेंगे जीएस पेपर टू टू की तरफ यद्यप प्रसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारित अविलणों में से एक है यानी दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर कि भैया यानी हम एक परिसंघीय शासन प्रणाली के तहत चल रहे हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर परिसंघ केंद्र और राज्य ये दोनों इकाइया संविधान में संविधान के द्वारा सत्ता प्राप्त है और दोनों अपने अपने एरिया में सेंटर अपने एरिया में स्टेट अपने एरिया में यानी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो संविधान ने दिया है कि इस पर अपने ढंग से शासन करके और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी और इसमें कोई किसी में इंटरवेंशन नहीं कर सकता ठीक है ना यह संविधान में यह तो हो गया भैया यानी है, रूप से है अब जरा अगली लाइन पढ़िए परंतु यह भी इतना ही सत्य संविधान के अधीन फेडरलिज्म सशक्त केंद्र के पक्ष में टिल्ट है झोका हो अब क्या करेंगे ठीक है ना फिर क्या करा कहा गया भैया बट इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लींस इन फेवर ऑफ सेंटर ये हो गया बेचारे राज्य हो गया सेंटर यानी सेंटर ऊपर हो जाता है ऐसा यहां कहा गया अब आप कहेंगे सर बात तो बिल्कुल सही है आइडियली तो हम फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर को बड़ा महत्व दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर भी घोषित किया बट सर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो है केंद्र के पक्ष में झुका हुआ तो कैसे तो आपको पता भैया जैसे हम देखें कि फेडरल जो ये पावर्स हैं सेंटर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए क्या प्रोविजन करता है वो कहता है भैया देखो हम कुछ विषय दे दे रहे हैं इन विषयों पर इन सब्जेक्ट्स पर आपको ही रूल करना है आप में झगड़ा नहीं रहेगा और फेडरल स्ट्रक्चर बढ़िया से चलेगा तो उसने बना दिया यूनियन लिस्ट यानी संघीय सूची और उसमें कई सब्जेक्ट रख दिए और कहा कि इस पर कानून बनाने की शक्ति सेंटर के पास फिर रख दिया स्टेट और कहा भाई देखो स्टेट वालों यानी जितने भी राज्य हो आपको इन इन विषयों पर एक्स वाई जेड विषयों पर आपको कानून बनाने की शक्ति यानी ना आप सेंटर वाले में जाएंगे ना सेंटर आप वाले में आएगा सिंपल सी बात है क्लियर है तो यहां तक तो मामला ठीक है बट अब आगे आता है समवर्ती सूची लिस्ट अब समवर्ती सूची में वो व्यवस्था की गई जो आइडियल तो लगता है कि ये भी सेंटर और स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे यानी कि भाई चलो यहां पर जो सब्जेक्ट है दोनों इस पर कानून बना सकते हैं और और भी बट। तो तो एक भाई दोनों दोनों बनाए बनाए सिद्धांत सिद्धांत मूल लेकिन होता क्या है अगर एक ही सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों तो सेंटर का जो होगा वो स्टेट पर प्रभावी हो जाएगा तो बेचारे राज्य यहीं से कमजोर हो गए इसके अलावा एक और होता है, है, समय के साथ इंटेलिजेंस पर कौन कानून बनाएगा ये तो संविधान में उस समय लिखा नहीं जा सकता था जब संविधान बनाया गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज की चीज है तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे इम्पैक्ट इन पर, वही बना सकती। कि का भाई पर भी उतना ही है तो यानी एक मैंने बताया बाकी तो जब आप फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिटी की कभी मैं क्लास लूंगा आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मैंने ठीक है यूट्यूब पर अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं हिंदू और पॉलिटी से ही अपना करियर स्टार्ट किया था जिसमें हंड्रेड लक्ष्मीकांत से ही टू 2019 में सबसे पहले पॉलिटी ही पढ़ाया था और उसके उसके साथ साथ हिंदू पढ़ाता था उसके बाद फिर मैं अन्य सब्जेक्ट पे आया ठीक है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा ऐसा है तो भाई ये जो झुका हुआ है केंद्र के पक्ष में इसको बदला कैसे जाए आइए आपको दिखाते हैं कि बदला कैसे जाए यही आपको कैसे और मजबूत बनाए यानी केंद्र और राज्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने यह बात यहां पर कही जा रही तो तीन चार रिफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं यह वाला आपको पता लग गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यानी भाई अस... आप पढ़ लेंगे असमित संघवाद मैंने समझा दिया कोई विशेष तो को दर्जा क्यों दे और इसीलिए है। है? इस अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाउ इंडियन फेडरलिज्म कैन बी स्ट्रेंद इस पर मैं फोकस बच्चों क्यों कर रहा हूं क्योंकि देखो आपसे पूछता है भैया दो सजेशन क्या पूछता है सुझाव दो तो भाई अगर सुझाव आपसे मांग रहा है तो आप क्या देंगे रट लीजिएगा देख लीजिए। भाई राज्य सूची को थोड़ा और बढ़ा और करो करो यार, कैसे बढ़ा ये भी बताया गया है कि भाई समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट लेके राज्य वाले में डाल दो सिंपल सी बात है ठीक है ना क्लियर है तो इससे क्या होगा यानी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा बस याद रख लीजिए ठीक है ना क्लियर है और आज इस स्थिति क्या है कि कंकरेंट पर क्योंकि सुप्रीम सॉरी सेंटर के कानून ज्यादा प्रभावी इसलिए आदर्श हमारा कमजोर पड़ता है और हम यूनिटरी यानी एकात्मक शासन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सेंटर समर्थी पर जो बनाएगा राज्य अगर उसी पे बनाएगा तो सेंटर वाला भारी होगा इसीलिए कहा गया भैया राज्य सूची का विस्तार करिए याद रखेगा हम अधिकांश वस्तुओं को स्टेट लिस्ट में यानी जो कंकरेंट लिस्ट की अधिकांश वस्तुओं उसको स्टेट इस लिस्ट में डाल दें क्यों क्योंकि संवर्ती सूची तो यार अगर सेंटर और स्टेट लड़ पड़े तो वहां तो स्टेट बेचारा शून्य हो, जाए। हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं आज के बाद से आप जब पॉलिटी पढ़िएगा तो जब सेंटर स्टेट लिस्ट पढ़िएगा यानी यूनियन और स्टेट लिस्ट ये वाला तो आप हमेशा ये याद रखेगा कि यह तो ठीक है लेकिन लिस्ट पे अगर सेंटर अपने सोचे तो तो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होंगे तो आप लगेगा अरे यार यूनियन लिस्ट भी है स्टेट लिस्ट भी है, लिस्ट भी है क्या बात है पे दोनों के पास शक्तियां वाह क्या बात है क्या बात है लेकिन अब आपको महसूस होगा कि हाँ यार सर तो सही कह रहे सेंटर अपने पे आ जाएगा तो कंकरेंट का एक भी यूज नहीं कर पाएगा स्टेट आप देख सकते हैं तो इसीलिए यहां पर कहा गया है क्या कहा गया इसीलिए मैंने कहा था बहुत अच्छे सजेशन है जो मैंने कहा था तो भैया क्या करिए यानी इस फेडरलिज्म को स्ट्रेंडन करने के लिए बी कैन ट्रांसफर बी कैन ट्रांसफर मोस्ट आइटम आउट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट टू द स्टेट लिस्ट घुसेड़ दो भैया वहां ये अच्छा सजेशन है कि नहीं आप बताएं मुझे किताबों में है कहीं नहीं है ना इसलिए कहता हूं लेकिन नए नए बच्चे अठारह उन्नीस बीस साल के एकदम से नहीं समझते उन्हें लगता है हिंदू की तरफ बुलाता हूं इसलिए कि मेरी क्लास में आओ नहीं भैया मुझे पता है इस पृथ्वी पर जब तक आप ढेर सारा त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो अब धीरे 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 यानी जब मैं रिजल्ट रिजल्ट करूंगा अंडर टेन कुछ बच्चे आएंगे तब जाकर के मेरी बात ज्यादा सुनी जाएगी अभी मेरी नहीं सुनी जाएगी इसलिए मैं बट हां अच्छी बात बोलने से पीछे हटूंगा नहीं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग बात है क्योंकि आपको भी पता है ये सब पॉइंट कभी मिल ही नहीं सकते आपको बुक्स में कहां पे फिर आता स्टेट नीड्स मोर फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी पावर राज्यों को अधिक वित्तीय और नियामक शक्तियों की आवश्यकता है याद रखेगा ठीक है ना आप कहेंगे ये क्या होता है सर स्टेट नीड्स मोर फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी पावर ये कैसे मिलेगा आपके मन में आ सकता है सर ये कैसे मिलेगा तो हम कहेंगे भैया एग्जाम्पल लिखा हुआ नीचे पढ़ लीजिए कि इस ब, कितना बढ़िया सजेशन है केंद्र को कहा है कि कलेक्शन एजेंट के रूप में काम ना करने दिया जाए और जो ये इनकम टैक्स है और भी कई प्रकार के टैक्स हैं इसको वसूलने की जिम्मेदारी राज्यों को दी जाए भाई अब सेंटर क्या करता है टैक्स कलेक्शन एजेंट के रूप में सारा टैक्स कलेक्ट करता है फिर राज्यों को बांटता है तो यहां कहा गया कि राज्यों को भी थोड़ा दिया जाए टैक्स वगैरह लगाए वे भी अच्छा सुझाव इसी को कहा गया है इन्हें यानी वित्तीय और नियामक शक्तियां ज्यादा दी आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब जैसे टैक्स वगैरह लगाने की पावर ठीक है ना और इसके साथ मोदी जी का स्टेटमेंट भी है कि भाई हमें फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत करना है तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा आई होप आप समझ गए मजा आया अब आते हैं प्रीलिम्स मुहिम में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यहां लिखा हुआ है तो आप अंदर कुछ मत पढ़िएगा इसमें यही लिखा है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ा यानी थोड़ा सा एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है नवम्बर महीने में तो बस इसको मैंने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा जो ये इंडिया की इकोनॉमी का जो एक्सटर्नल सेक्टर ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो इस पर दिमाग रखना प्रिलिम्स में आता है क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टॉप फाइव क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं टॉप फाइव कौन से टॉप फाइव कंट्रीज हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कौन सी टॉप फाइव कंट्रीज जहां हम इंपोर्ट करते हैं बाकी ये सब इकोनॉमिक सर्वे आएगा मैं कराऊंगा घबराने की जरूरत नहीं है फिर इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस डायरेक्ट चला गया कौन ले गया? दिल्ली प्रशासन डी दिल्ली सी पी सी आर यानी डेल्ही कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारे फंड को रोक दिया सुप्रीम तो कोर्ट ने कहा भैया डायरेक्ट कहा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो और हाई कोर्ट वगैरह भी जाओ ठीक है ना वाइज एवरी डिस्प्यूट बिटवीन डेली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कमिंग हेयर आज सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनसे सरकार से कहा यार यहीं आ जाता है ठीक है ना पहले थोड़ा निचली कोर्ट में लेके जाओ तो दिल्ली और एलजी के बीच में यह विवाद चलता ही रहेगा और यह क्यों ना जहां पर भी डोयल शासन है द्वैध शासन आप सोचिए 1765 में अंग्रेजों ने द्वैध शासन लागू किया था बंगाल में जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दिया था बेचारे बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को और जो रेवेन्यू यानी जो दीवानी था वो रखा था अंग्रेजों ने अपने पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास लेकिन आप सोचो कि सात साल के बाद ही वारन हेस्टिंग उसे खत्म क्यों करना पड़ा तो डोल सिस्टम जहां भी आएगा वो समस्या है तो यहां पर डुएल सिस्टम है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चुनी हुई सरकार के बीच में शक्तियों को लेकर के हमेशा से द्वंद बना ही हुआ है आप देख सकते हैं तो ये आप हमेशा याद रखिएगा उसके बाद ये जो सेवन डे पुलिस कस्टडी में ये लोग चले गए हैं इसके अलावा कई सारी बातें हैं ब्रीच बाकी और कुछ भी नहीं एथनॉल ब्लेंडिंग में अब प्रिलिम्स के लिए याद रखिएगा प्रिलिम्स प्रिलिम्स वालों प्रिलिम्स वालों एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए अब गवर्नमेंट ने केन जूस यानी गन्ने का जूस और बी मोलासेस यानी सीरा इसको अब एथनॉल बनाने के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी है तो प्रीलिम्स के लिए इन दोनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि एथनाल ब्लेंडिंग पर हम बहुत फोकस हैं। और कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं फाजिल फ्यूल से हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो कैसे होगा इस भाई एथनॉल से होगा तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर बायोफ्यूल अलायंस भी बना है तो ये सब चीजें एकदम मत छोड़िएगा पढ़ के नाटो में शामिल है फिनलैंड हाल फिलहाल वाला प्रीलिम्स में याद रखेगा बाकी और कुछ भी ऐसा खास नहीं मालदीव वाला मैंने कराई दिया बाकी है टेस्टाथॉन कमिंग सून टेस्टाथॉन एकदम आप सब भी तैयार रहिएगा और मजा आएगा थोड़ा सा आपकी जेब पर हल्का सा बहुत बड़ा भार नहीं आपकी जेब पर थोड़ा सा वजन डालूंगा ऑब्वियस है बट वो वजन जो होगा बहुत हल्का होगा इन कंपेयर टू अदर और जो मिलेगा ना वो आप की थिंकिंग के बियॉन्ड होगा अब क्या होगा भाई मैं इंडस वैली की क्वेश्चन में मोहन जो दो राबी पे है कि राबी यहां है वो तो मैं बदल नहीं पाऊंगा वो तो जहां है वहीं रहेगा राबी के दाएं या बाएं बट क्या उसमें ऐसा होगा जो आपके मतलब अजीब है मजा आ जाएगा बस ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत थैंक यू